हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम जा रहे हैं बाहर और काफ़ी दिन हो गए थे, इतना बोर्डम हो जाता है बच्चों के साथ में क्योंकि आप बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए आज हम जा रहे हैं कुछ स्पेशल खाने के लिए। तो चलिए आपको भी अपने साथ ले चलते हैं। आज हम जिस फूड स्ट्रीट पर आए हैं वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं और ये है वैशाली नगर के चौड़ा रास्ता पर। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और मेरे फूड की जर्नी की शुरुआत भी ऑलमोस्ट होने वाली है। तो सबसे पहले हम पहुँचे पंडित पाव भाजी चाउमीन। वैसे तो इनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे लेकिन पाव भाजी बहुत टाइम से नहीं खाई थी तो मुझे लगा कि चले पाव भाजी खाते हैं। और ये इनका मेन्यू था, सब कुछ रीजनेबल रेट पर था, देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है। तो फिलहाल मेरा ऑर्डर हो रहा है रेडी और मैंने ऑर्डर दिया है एक प्लेट पाव भाजी का। डाले और ये हो गई हमारी प्लेट रेडी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। और साथ में वो बटर देखिए, कितना मजा आएगा जब इस बटर को हम भाजी में डाल के खाएंगे। और अब टाइम है इसको टेस्ट करने का। तो पाव काफी गर्म थे तो मुझे लगा कि चलिए साइड से तोड़ के थोड़ा सा खा लेते हैं। और ये बटर जिसके बारे में मैंने पहले बताया था उसको मैंने भाजी में डाल लिया और अब है इसे टेस्ट करने का टाइम। मैंने इसमें बटर अच्छे से मिला लिया है और पहले मैंने इसमें नींबू थोड़ा सा डाल लिया था, तो अब इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, सिंपल मसाले हैं। पाव भाजी की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं तो इसीलिए आप इसको जो है अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टॉल पे जो कि है रोल एंड चाउमीन सेंटर। यहाँ पे बहुत सारे रोल्स मिलते हैं, अलग अलग वैरायटी है और साथ में आप यहाँ पे मोमोज भी ट्राई कर सकते हैं। वो मैंने पहले ट्राई किए हैं एंड इट्स वेरी नाइस, तो मुझे लगा कि रोल भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। पहली बार जो है मैं जयपुर में रोल ट्राई कर रही हूँ और ये वेज रोल है जिसके अंदर नूडल्स हैं और साथ में थोड़ी सी स्पाइसी चटनी और जो भी चीज़ें इसमें डलती है वो सब कुछ है। तो ये है मेरा रोल जो अंदर से ऐसा दिखता है जिसमें नूडल्स की फिलिंग है, साथ में ही मैंने ली थी मीठी और तीखी चटनी दोनों ही क्योंकि दोनों का टेस्ट चाइनीज़ में बहुत बढ़िया आता है अगर एक साथ खाई जाए तो। और इसका टेस्ट भी काफ़ी ठीक था, पहली बार मैं जयपुर में रोल ट्राई कर रही थी और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ठीक रहा। तो अब था मीठा ट्राई करने का टाइम क्योंकि मैंने इतना तीखा खाया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे कुछ बहुत ज़्यादा मीठा या स्वीट डिश खानी चाहिए, तो मुझे लगा कि गोला ट्राई करते हैं। काफ़ी अनयूजुअल होता है इसका टेस्ट जिसमें थोड़ा सा नींबू और बाकी सब मीठा मीठा रस, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरा गोला जो है रेडी हो रहा था, सबसे पहले काटा गया नींबू फिर गोले की तैयारी की गई। मैंने बीकानेर में काफ़ी बार गोला खाया है और वो बहुत ही अच्छा होता है, वहाँ पर उसको छत्ता बोलते हैं। और जयपुर में जो है वो कैसा है यहाँ पे टेस्ट करने पे पता चलेगा। और मीठे की बात की जाए तो गोला मुझे काफ़ी डिसेंट लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होता है, फिर ऊपर से जो नींबू डालते हैं ना उसका टेस्ट इसे काफ़ी जो है यूनिक बना देता है। और ये देखिए मेरा गोला कैसा दिख रहा है, ये है काला खट्टा फ्लेवर जो कि मेरा फेवरेट है। और चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं।
गोली को खाने का एक रूल है कि आप इसको पहले अच्छे से रस में डुबोइए और फिर उसके बाद में इसको टेस्ट कीजिए। अब आएगा आपको टेस्ट नींबू और मीठे दोनों का एक साथ में। तो ये थी मेरी फूड जर्नी जो बहुत ही छोटी थी, क्योंकि हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमें कुछ काम था, तो इसीलिए हम यहाँ आए। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी कॉमेंट हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय।